देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं सपना नायक आपका स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए एक नाबालिग की थाना प्रभारी ने जमकर पिटाई। आपको बता दें कि 28 तारीख को नाबालिग विशाल धाकड़ को सिटी थाने से दो कांस्टेबल राधा कॉलोनी से उठाकर लाए। वहीं जब नाबालिग ने सिटी कोतवाली से पूछा कि साहब मुझे क्यों उठवाया, तब उसे जवाब मिला कि कैंट थाना प्रभारी आ रहे हैं। थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने आते ही कुसमोदा चौकी से प्लास्टिक का पाइप मंगवाया और उस पाइप से उसकी पीठ और पैर पर मारा। बात यही नहीं थमी, पीड़ित का आरोप है कि टीआई साहब ने सामने खड़े गोल्डी जो कि गुंडा है उससे भी पिटवाया। उसे तब तक मारा गया जब तक विशाल बेहोश नहीं हो गया। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उससे 10,000 रुपये भी लिए गए। इस आशय में पीड़ित विशाल ने SP गुना, बाल आयुक्त भोपाल, IG ग्वालियर रेंज को भी शिकायत की है। SP गुना ने CSP जांच के आदेश दिए गए। समझ से परे है कि क्यों कैंट थाना प्रभारी को सिटी थाना आकर एक नाबालिग को मारने की जरूरत पड़ी, वो भी उस कारण जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये पूरी घटना सिटी थाने के CCTV में भी कैद हो गई है। मामले को बाल आयोग की अध्यक्ष राघविंद्र शर्मा ने अपने संज्ञान में लिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस निष्पक्ष जाँच कर पाती है या नहीं। क्या नाम है जी? मेरा नाम विशाल धाकड़ है। कहाँ रहते हो? सन ऑफ गोपाल सिंह धाकड़। मैं अट्टी मील पे रहने लगा हूँ, पहले राधा कॉलोनी में रहता था। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 16 साल उम्र है और जगदीश कॉलोनी में किसी मीनू भार्गव को लेकर किस फोन लगाया और पुलिस वाले आए। हरिओम रघुवंशी, सुनील रघुवंशी और दो चार उनके संग और थे, तो केशव और उनकी लड़ाई हो रही थी, तो जहाँ पे से मुझे भी उठा के बोले गए। उसके बाद कोतवाली में जाने के बाद मीनू भार्गव के कोई लगते हैं, मतलब सपरे TIG, तो उनको उसने फ़ोन लगा के बुलवा लिया और वहाँ पे आके TI साहब ने वो कुसमोदा चौकी से पाइप मंगाया ये सबको। मुझे TI साहब ने मंगवाया, सपरे TI साहब ने कैंट कोतवाली से सिटी कोतवाली में आके एक पाइप मंगाया। उससे हमें बहुत जोर से मारा केशव को और मुझे। केशव को तो वो मुझे तो छोड़ दिया, पर केशव पे कोई वारंट वारंट का वो लगा के उसे रात भर रोका और मुझ पर 10,000 रुपये ले लिए मुझसे। मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, मुझ पर केस नहीं लगाया। तो पाइप से कहाँ मारा था तुम? पाइप से मेरे निशान है नहीं? निशान नहीं, किस जगह पे मारा? थाने में? थाने में TI साहब के चैम्बर में। चैम्बर में? हाँ, रिकॉर्ड ना हो पाए। कौन कौन था उस समय वहाँ पे? उस समय थे स्टाफ था वहाँ का। यही था थे अस्थाना जी थे? अस्थाना जी। क्या कर रहे थे अस्थाना जी? कुछ नहीं, बैठे थे वहीं पे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो तो उन्हीं ने मारा है। बहुत जोर से मारा, मतलब तुमने पूछा नहीं क्यों मार रहे हो? पूछा पर वो क्यों बोलेंगे, वो तो उसने। कभी प्याज के दामों ने आम जन को रुलाया तो आज वही प्याज प्रशासन के गले की फांस बन गई है। किसानों को राहत देने सरकार ने इसे घाटा उठाकर खरीद तो लिया, लेकिन वह इसे रखने अब तक सुरक्षित ठिकाना नहीं तलाश पाई है। भंडारण के बाद अब ये प्याज ट्रकों में भरी खड़ी है, जिससे मंडी में किसानों के अनाज उतारने का ठिकाना नहीं बचा। संगठनों के साथ ही SUCI ने भी GST को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उसने इस GST कानून को आमजन के खिलाफ बताते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। नोटबंदी के दौरान आपने और हमने देखा, बैंकों की लाइन में कोई इस देश का पूंजीपति नहीं लगा। आपने अंबानी को आज यहाँ पर GST का विरोध हम लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार आज रात को 12 बजे संसद में ये ऐलान करने जा रही है एक जश्न के साथ कि हिंदुस्तान के अंदर कपड़े पर भी टैक्स लगना चालू होगा।
आज तक हिंदुस्तान में कपड़े पर टैक्स नहीं लिया गया, लेकिन आज की सरकार रात में चाय के प्यालों के साथ ये जश्न मनाते हुए कहेगी कि आज से हिंदुस्तान में कपड़े पर टैक्स लगेगा। हिंदुस्तान के अंदर टैक्स 28% वो लागू करने जा रहे हैं, इसलिए जीएसटी की प्रतियां जलाते हुए हम उसका विरोध कर रहे हैं। केवल हम ही नहीं, हिंदुस्तान के आज कपड़ा व्यापारी सड़कों पर हैं, हिंदुस्तान के कई बाजार आज बंद हैं, इसी बात को लेकर कि आप टैक्स को कम करिए। टैक्स को कम नहीं कर रहे हैं, उल्टा टैक्स को बढ़ा रहे हैं। एक रुपये में अगर 28 पैसा टैक्स लग जाएगा, 100 रुपये में अगर 28 रुपये टैक्स लगेगा, तो जनता पे महंगाई बढ़ेगी। ये मुद्रास्फीति का एक कारण होगा। अभी सरकार कह रही है पूंजीपतियों को इससे नुकसान होगा, उनको टैक्स के दायरे में लेकर आएंगे, लेकिन बताइए अंबानी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अंबानी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये छोटे छोटे खुदरा व्यापारी हैं, उनको टैक्स के दायरे में लाकर उनको बर्बाद करने की योजना है, जिससे 5 करोड़ से ज़्यादा खुदरा व्यापार के अंदर लगे लोग जो रोजगार कर रहे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध करते हुए आज यहाँ पर इसकी प्रतियां जला रहे हैं। किसी समय में फिल्म का एक गाना था, पापी पेट का सवाल है। ऐसा ही पेट के लिए कहा जाता है, इसकी खातिर सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा ही नज़ारा शहर में उस समय देखने को मिला जब कुछ बच्चे अपने पेट के लिए खतरनाक स्टंट करते नजर आए। चलो बचा कर थोड़ा ताली मारो मेरे साथ, दोनों हाथ की तो देख लू मेरे साहब, ये लड़की का कल 1 जुलाई से जीएसटी बिल लाने जा रही है, लेकिन इसके एक दिन पहले तक इसका जमकर विरोध करते हुए व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। शहर में दुकानदार व्यापारियों ने अपने संस्थान बंद रखे और एकजुट होकर रैली निकाली, सरकार के विरोध में ज्ञापन भी सौंपा। आपका फोन भी नहीं आएगा, आप चिंता मत करो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा वैधानिक कार्य हो रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता मत लीजिए। प्रशासन चाहे वो जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन, ये समझने का प्रयास नहीं करे कि ये मुट्ठी भर लोग ये व्यापारी लोग आए हैं। कृपया इस सांकेतिक हमारे जो 37 रिटर्न भरे जाने हैं व्यापारियों के द्वारा साल भर में, उन 37 रिटर्न में व्यापारी परेशान हो जाएगा। 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख को हर माह को उसको 3-3 बार अपनी डिटेल देनी है डिपार्टमेंट को, वो भी एक परेशानी का काम है। 20 लाख से नीचे के टर्नओवर वालों को भी अपने माल मंगाने ले जाने के लिए क्या सुविधा है और वो कैसे एग्जेम्प्ट हैं, ये उसमें क्लियर नहीं किया गया। इसके सिवा जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो भी गलत किया गया है, उसमें सजा का प्रावधान। इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, हमारे द्वारा कुल 28 विसंगतियाँ छाटी गई हैं, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है 28 विसंगतियों का, और वो 28 विसंगतियों हमारा अनुरोध है कि जिला प्रशासन से कि वो वहाँ तक उचित माध्यम से वो चीज़ पहुँचाए। और जीएसटी के विरोध में जीएसटी प्रावधानों के विरोध, जीएसटी का जो प्रावधान है उनकी विसंगतियाँ हैं उनके विरोध में। कौन कौन ने दिया है आपने? चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कपड़ा व्यापारी संघ और एसोसिएशन, सारे एसोसिएशन है। आपका नाम? मेरा नाम अमित सोगानी, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष हूँ। शहर में नेत्र रोशनी की अलग जगह रही है लायंस क्लब के नेत्र हॉस्पिटल का काय क्लब, और आगे बढ़ाते हुए इसमें सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है, जिसका शुभारम्भ कलेक्टर राजेश सेन ने लायंस क्लब के मेम्बरों की उपस्थिति में किया। हमने अस्पताल शुरू किया था तो तब शायद ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतने इसका इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा कि बिना की जनता आपको सेवा के इतने अवसर प्रदान करें।
हमने देखा कि जब जरूरत की विशेष आवश्यकता पड़ती गई, ये महसूस किया गया कि एक नई बिल की और आवश्यकता और हमें नए ओटी बनाने की आवश्यकता है। उसके तहत आज हमने ये नया चार ऑपरेशन टेबल का नया बिल्डिंग आज उद्घाटन कर रहे हैं, जिसको लोगों को समर्पित करते हुए पूरे जिले के लोगों ने, आसपास के लोगों ने हमारे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है, हमारी कोशिश होगी कि हम इसको और बेहतर से बेहतर। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।